So guys, Vivo X90 सीरीज के लॉन्चिंग को लेकर जो भी लोग वेट कर रहे थे, फाइनली उसके लिए अच्छी खबर आ गई है। लॉन्च डेट अनाउंस हो गए हैं दोस्तों, इसी महीने ये सीरीज इंडिया में लॉन्च होने वाली है, जहां पर इसके लीक्स के अकॉर्डिंग दो मॉडल लॉन्च किए जाएंगे, Vivo X90 एंड Vivo X90 Pro। इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे Vivo X90 Pro के बारे में, क्योंकि वीडियो अधिक लंबा हो जाएगा। तो कैसा होगा ये फोन, यहाँ पे आपको क्या कुछ चीजें देखने को मिलेगी, स्पेसिफिकेशन और फीचर्स वगैरह क्या क्या होंगे, प्राइस इसके इंडिया में क्या रखी जा सकती है और ये फोन इंडिया में कब लॉन्च किया जाएगा, इन टोटल सारी चीजों की जानकारी इस वीडियो के अंदर मैं आपको देने वाला हूँ। तो उसके लिए चैनल पे अगर आप नए हो तो अपने छोटे भाई को सपोर्ट करो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो लाइक जरूर कीजिएगा। ऑलराइट दोस्तों, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, बात कर लेते हैं सबसे पहले इस फोन की बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन के बारे में। तो गाइस, ये जो फोन है ये लेदर बैग के साथ आएगा और इसके प्रीवियस मॉडल से इसका डिजाइन कंप्लीटली चेंज होने वाला है। स्पेशली कैमरा हाउसिंग के पास देखते हो तो यहाँ पे आपको राउंडेड शेप में कैमरा हाउसिंग देखने को मिलने वाला है, जहाँ पे ट्रिपल कैमरा सेटअप और कैमरा हाउसिंग के बाहर एक LED फ्लैश लाइट देखने को मिल जाएगी और उसके नीचे जायज की ब्रांडिंग भी देखने को मिलेगी। फ्रेम के बारे में बात करते हैं तो गाइस वो यहाँ पे मेटल का होगा, जो कि इसके डिजाइन को काफी प्रीमियम सा लुक देता है और फ्रंट की तरफ यहाँ पे ग्लास देखने को मिल जाएंगे। कर्व्ड स्क्रीन होगी दोस्तों, सेंटर में एक छोटा सा पंच होल का कटआउट देखने को मिलेगा, टॉप एंड दोनों साइड वाले बेजल्स यहाँ पे आपको पतले नजर आएंगे और चिन के बारे में बात करते हैं तो ये भी काफी हल्के होंगे। तो ओवरऑल मेरे हिसाब से फोन काफी गुड लुकिंग हुआ, डिजाइन और लुक्स वाइज अच्छे देखने को मिलेंगे। वैसे एक चीज बताना भूल गया कि ये फोन काफी बल्की और हैवी भी होगा, क्योंकि यहाँ पे आपको 9.3 mm के थिकनेस देखने को मिल जाएंगे एंड 215 ग्राम इस फोन का वेट होगा। डिस्प्ले के बारे में बात करते हैं तो गाइस इस फोन के अंदर 6.78 इंच का एक 2K डिस्प्ले देखने को मिलेगा, जो कि सैमसंग का लेटेस्ट E6 AMOLED पैनल के साथ आएगा। 10 बिट्स का डिस्प्ले होगा दोस्तों, जहां पे आपको 1.07 बिलियन कलर्स के सपोर्ट देखने को मिल जाएंगे और डेफिनेटली यहां पे HDR 10 प्लस वगैरह का सपोर्ट होगा। तो कलर्स वगैरह जो है वो इस फोन के अंदर काफी अच्छे निकल के आएंगे, तो जब भी आप इस फोन से वीडियो देखोगे या फिर मूवी एंजॉय करोगे तो एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहेगा। बाकी दोस्तों यहां पे डिस्प्ले के अंदर आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी देखने को मिल जाएगा। स्मूथनेस के लिए यहाँ पे 120Hz का फास्ट रिफ्रेश रेट भी होगा, तो जब भी आप इस फोन से गेमिंग वगैरह करोगे तो काफी स्मूथ एक्सपीरियंस मिलेगा और 1300 nits का यहाँ पे पिक ब्राइटनेस भी देखने को मिल जाएगा। तो ओवरऑल मेरे हिसाब से देखा जाए तो डिस्प्ले की क्वालिटी जो होगी वो भी काफी अच्छी होगी। खैर, अब परफॉर्मेंस के ऊपर आते हैं तो गाइस इस फोन के अंदर मीडियाटेक का डायमेंसिटी 9200 वाला प्रोसेसर देखने को मिलेगा, जो कि एक फ्लैगशिप प्रोसेसर है और काफी पावरफुल है। 3.05 GHz की क्लॉक स्पीड पर रन करता है और 12 लाख से अधिक ये एंटूतू स्कोर निकाल कर दे सकता है, तो नो डाउट परफॉर्मेंस जो होगा वो यहाँ पे बिल्कुल मक्खन के जैसा होगा। डे टू डे लाइफ में इस फोन से आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाकी COD और BGMI जैसे हैवी गेमिंग भी ये प्रोसेसर काफी आराम से हैंडल कर लेता है। और अच्छी चीज मेरे को ये लगी कि इसकी ताकत को बढ़ाने के लिए कहा जा रहा है यहाँ पे UFS 4.0 के स्टोरेज भी देखने को मिलेंगे एंड LPDDR5X वाला रैम भी होगा, तो एप ओपनिंग क्लोजिंग स्पीड वगैरह जो होगी वो काफी फास्ट रहेगी। बाकी एंड्रॉइड 13 आउट ऑफ द बॉक्स ये फोन आएगा, जो कि फंटच OS 13 के ऊपर रन करेगा। अब दोस्तों अगर हम इसके बैटरी कैपेसिटी के बारे में बात करते हैं तो गाइस इस फोन के अंदर 4870 mAh की बैटरी देखने को मिलेगी, जो कि मेरे हिसाब से एक डिसेंट बैटरी है। एक नॉर्मल यूजर्स को ये बैटरी लगभग 1 से 1.5 दिन का बैकअप आराम से निकाल कर देगा। इसके अलावा इसको चार्ज करने के लिए यहाँ पे 120W की वायर फास्ट चार्जिंग का भी सपोर्ट देखने को मिलेगा एंड 15W की वायरलेस फास्ट चार्जिंग के भी सपोर्ट देखने को मिल जाएंगे। टाइप सी पोर्ट के साथ ये फोन आएगा दोस्तों, फोन के अंदर NFC के भी सपोर्ट देखने को मिल जाएंगे। 3.5 mm जैक एंड माइक्रो HD कार्ड का स्लॉट यहाँ पर नहीं होगा, बट इस फोन के अंदर आपको स्टीरियो स्पीकर देखने को मिलेंगे, आईआर ब्लास्टर भी होगा दोस्तों और वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंस के लिए इस फोन के अंदर आपको IP68 के सर्टिफिकेशन भी देखने को मिल जाएंगे, साथ में फेस अनलॉक का सपोर्ट भी देखने को मिलेगा। खैर, अब गाइस अगर हम आ जाते हैं इसके कैमरे के ऊपर तो पीछे की तरफ यहाँ पे 3 कैमरा देखने को मिलेंगे। मेन कैमरा 50 MP का होगा, जो कि सोनी का IMX989 वाला सेंसर होगा और ये 1 इंच का सेंसर है और इस सेंसर से आप मैक्सिमम 24 FPS पे 8K वीडियो रिकॉर्डिंग भी निकाल पाओगे। जायज ऑप्टिक लेंस के साथ ये फोन आएगा दोस्तों, क्योंकि वीवो ने इस फोन के कैमरे के लिए जायज के साथ कोलैबोरेट किया है और साथ में यहाँ पे वीवो का कस्टम V2 चिप भी देखने को मिलेगा, जो कि इसके इमेज प्रोसेसिंग को काफी ज्यादा इनहेंस करता है, तो फोटोग्राफी जो होगी वो भी इसकी नेक्स्ट लेवल रहेगी। दूसरे कैमरे के बारे में बात करते हैं तो दोस्तों वो भी यहाँ पे 50 MP का ही देखने को मिलेंगे, जो कि एक टेलीफोटो लेंस होगा और यहाँ पे OIS के सपोर्ट भी देखने को मिल जाएंगे। एंड तीसरे कैमरे के बारे में बात करते हैं तो वो यहाँ पे 12 MP का होगा, जो कि एक अल्ट्रा वाइड सेंसर होगा। बाकी सेल्फी के बारे में बात करते हैं तो वो यहाँ पे 32 MP के देखने को मिल जाएंगे, जिससे आप मैक्सिमम 30 and 60 FPS पे 1080p वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाओगे। तो कैमरा सेटअप जो होगा वो मेरे हिसाब से काफी अच्छा रहेगा, कोई भी इसको क्रिटिसाइज नहीं कर सकता है। बाकी इसके अंदर आपको HDR, पैनोरमा, प्रो मोड, पोर्ट्रेट मोड, नाइट मोड और स्लो मोशन जैसे कई सारे कैमरा फीचर्स भी देखने को मिल जाएंगे। तो गाइस यही थे इस फोन के स्पेसिफिकेशंस की पूरी कहानी।
प्राइसिंग के बारे में बात करते हैं तो गाइस कहा जा रहा है कि इस फोन को 8GB 256GB एंड 12GB 256GB के सिर्फ और सिर्फ दो मॉडल में इंडिया में लॉन्च किया जाएगा। जो बेस मॉडल रहेगा 8GB 256GB उसकी प्राइस इंडिया में मुझे ऐसा लगता है कि 59999 रखी जा सकती है एंड सेकेंड मॉडल को 64999 में लॉन्च किया जाएगा। वैसे आपके हिसाब से इसकी प्राइस इंडिया में कितनी होनी चाहिए हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर इसके इंडिया लॉन्चिंग के बारे में बात करते हैं तो गाइस 26 अप्रैल को ये सीरीज इंडिया में लॉन्च होने वाली है। तो अब आप लोग कमेंट करके बताओ आप में से कितने लोगों को इस सीरीज के इंडिया लॉन्चिंग का वेट है। तो गाइस बस इस वीडियो में इतना ही। पसंद आए दोस्तों तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।